आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ब्लड सैंपल की जो वाइल्स होती हैं उन वाइल्स के क्या क्या नाम होते हैं और किन किन वाइल में कौन से हम लोग ब्लड सैंपल्स के लिए लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजते हैं लैब में और उनमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। मेरे हाथ में ये चार वाइल्स हैं, ठीक है, और मैं इन आपको चार वाइल्स को अच्छे से जो भी इनके अंदर केमिकल्स पड़ा होता है मैं वो सब केमिकल्स आपके साथ सब बताएंगे कि इनका क्या नाम होता है और क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज का टॉपिक। ये हमारी वाइल्स हैं और जो ये वाइल्स हैं इनको हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये रेड वाली वाइल। जो ये रेड वाइल होती है आप देख रहे हैं ये, तो ये रेड कलर की होती है, जिसका कैप होता है वो रेड होता है और इस पर आप देख रहे हैं ये मेंशन किया गया है सब कुछ। यहाँ पे पेशेंट का नाम और पेशेंट का जो भी सीआर नंबर या आईडी जो भी होती है वो, और डेट, और उसके आगे यहाँ पे जो भी टाइम होगा वो आप टाइम मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस वाली वाइल में हम लोग रेड ब्लड होता है वो भेजते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ये पूरी वाइल प्लेन होती है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये इस तरीके की होती है वाइल, ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, ये बिल्कुल प्लेन वाइल होती है। और देन बात करते हैं हम लोग इस वाइल की। जो ये वाइल है ये आपको दिख रहा है, इसमें जो ये वाइल है ये भी सेम वैसे इसका जो भी ये होता है जो भी इसमें मेंशन किया हुआ होता है वही आपको इसमें करना है। पेशेंट नेम, डेट और पेशेंट का जो भी सीआर नंबर वो आप यहाँ से अलग से मेंशन कर देना, वो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं और टाइम वगैरह सब डाल देते हैं। ये जो वाइल होती है ये आपको इसमें शायद दिख रहा होगा, ये जो लिक्विड टाइप का पड़ा हुआ है ये देखिए, ये जो आपको ये लिक्विड दिख रहा है ये इसमें एक EDTA जेल होता है, EDTA केमिकल होता है। इस पर देखिए मेंशन भी किया है यहाँ पे वाइल में EDTA, ये देखिए इस पर मेंशन भी किया गया है EDTA। तो ये जो EDTA होता है इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। आप लोग ये दो तीन बार याद करेंगे तो ये किसी रफ कॉपी पे लिख लिख के याद करेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इसे कहते हैं EDTA एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें EDTA सॉल्यूशन होता है या केमिकल होता है और इसको हम EDTA वाइल के नाम से जानते हैं जो कि पर्पल कलर की होती है। अब आगे हम बात करेंगे इस वाइल की। जो ये वाइल आपको दिख रही है इसका नाम होता है फ्लोराइड वाइल, ठीक है। आपको ये देख लीजिए ये ग्रे कलर की होती है, इसको ग्रे वाइल भी कहते हैं। और जो इसका नाम होता है ये देखिए, इस पर मेंशन भी किया गया उन लोगों ने, ये देखिए ये होता है फ्लोराइड वाइल। ये इसमें जो ये दिख रहा है लिक्विड टाइप का आपको, इसमें फ्लोराइड जेल होता है। जो ये देखिए जितनी वाइल्स हैं सब जो भी उनका केमिकल है उस पर प्रेजेंट वो उस केमिकल पे डिपेंड ही उनका नाम है, आप उसी केमिकल से उनको जान सकते हैं। तो ये फ्लोराइड वाइल है तो इसमें फ्लोराइड केमिकल होता है और ये नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं जितने भी शुगर की जाँचें होती हैं, RPS, जैसे लाइक RPS हो गया और आपका GTT हो गया, ग्लूकोज, इसका नाम है फ्लोराइड वाइल जो कि ग्रे कलर की होती है, ठीक है। बात करते हैं इस वाइल की। इस वाइल की ये एक स्पेशल वाइल है जो कि हम लोग जो थायराइड के पेशेंट होते हैं नॉर्मली हम उसमें ये यूज़ करते हैं। इसमें आप देखिए इसमें एक जेल होता है, ये देखिए आपको दिख रहा है ये, इसमें एक जेल होता है, इस जेल का नाम होता है सिलिका जेल, ठीक है। इस जेल का इसमें ये जेल ऐसा होता है बिल्कुल मतलब सॉलिड ये जेल होता है, ठीक है। आप इसे अगर वाइल को हिलाएंगे तो ये गिरेगा नहीं यहाँ से, ये सॉलिड जेल होता है। और इसमें ये जो जेल होता है इसका नाम होता है सिलिका जेल, इसे हम लोग येलो वाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि थायराइड की जांचों के लिए ये यूज़ किया जाता है। इनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा जो ये वाली वाइल होती है ये होती है प्लेन वाइल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, जो कि रेड कलर की होती है, ठीक है। देन हमारी हो गई, ये हो गई आपकी EDTA वाइल, जो कि इसमें EDTA सॉल्यूशन पड़ा होता है केमिकल, और इसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है,
इसका जो इसमें केमिकल पड़ा होता है उसका नाम होता है एथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। और ये ग्रे बाइल जो कि फ्लोराइड बाइल के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसे, इसमें फ्लोराइड जेल होता है और इसमें जो भी जांचें कराते हैं वो RBS और जितने भी शुगर की जांचें हैं इसमें वो कराते हैं, खाली पेट या भरे पेट जो भी होती हैं वो हम सब लोग। उसके बाद इसका लास्ट आता है ये येलो वाइल जो कि हम लोग नॉर्मली थायराइड के लिए इसे यूज़ करते हैं, और जो इसमें जेल होता है उसका नाम होता है सिलिका जेल और ये येलो कलर की होती है। और इस वाइल की एक खास बात है, इस वाइल को हम लोग यहाँ से ऐसे इस तरीके से ओपन करके इसमें ब्लड नहीं डालते हैं, इसको यहाँ से हम लोग जो ये रबड़ होती है यहाँ से नीडल प्रिक करके और बस यहीं से ही से इंसर्ट कर देते हैं ब्लड, क्योंकि जब हम लोग इसे ओपन करके डालेंगे तो इसमें कोई भी पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने के चांसेस रहते हैं, तो उसे आपके जो सैंपल है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी वाइल्स के बारे में नॉलेज हो गई होगी, और हो गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।